वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री नानक पग पंज बंदन, सिमरों अंगद दुख निकंदन। अमरदास गुर हिरदय त्यावों, श्री गुरु रामदास गुण गावों। धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज, चौथी पातशाही, जिन्हों का जन्म 1534 ईस्वी में चूनी मंडी लाहौर विखे होंदा है। बाबा ठाकुरदास उन्हां दी कुल विच, बाबा हरदास ते माता अनूपी जी दे घर ग्रह विखे उन्हां दा जन्म होया है। शादी दे 12 साल बाद घर दे विच पुत्र पैदा होंदा है, जिस दा नाम रख्या जांदा है जेठा, क्योंकि पहला पुत्र है। उस तो बाद एक बच्चा होर पैदा होता है जिसका नाम रख्या जाता हरदयाल। फिर तीसरा बच्चा पैदा होया है, एक बच्ची जिसका नाम इतिहास ने रामदासी जिक्र किया है। एक हसदा वसदा परिवार, जिसनू मालक दे नज़र दे विच देवनेत दे नाल कुछ ऐसी खेड वरतदी है छोटे छोटे बच्चियां दे नाल कि पहला इन्ना छोटे बच्चियां दी माता चढ़ाई करदी है। 7 साल दी उम्र है अजे भाई जेठे दी, वड्डे पुत्र दी, ते पिता बाबा हरदास भी चढ़ाई कर जांदे ने। ऐसी हालत बन गई परिवार दी, कमाउण वाला कोई रहा ना, आमदन दा साधन कोई ना बचिया, ते सब तो वड्डा पुत्र 7 साल दा भाई जेठा, वो अपने छोटे भैन भरावां दी पालना पोषणा वास्ते जिथे माँ बाप दे सहारे पालना हुंदा बच्चे ने, उत्थे उस बच्चे नू सारे घर दी जिम्मेवारी अपने मोढ़ियां ते लैणी पैण दा समां बन गया। इह वी कोई मालक दी खेड सी, इन्ना औखा इन्ना बिखड़ा समां, और उस बिखड़े समय दे विच भी पैदा करन वाले ने, भेजन वाले ने, रोजी देण वाले ने मन नू डोलन नहीं दिता। एडा वड्डा जिगर दिता सी भाई जेठे नू, डोलन दी थां ते उन्होंने घर दे विचों कुछ सरदा बनदा घूणियां बना करके ते लाहौर दे आले दुआले बाज़ारां दे विच बेचना शुरू कीता, तां कि घर दे विच रोटी पकण दा सबब बने। ते जदों समाज वाल नू झात मारी दीए, ये 3 जतीम बच्चे जिन्हां दा आसरा कोई ना रहा सिवाय परमात्मा तों, समाज दी मलीनता है, ये समाज दी घाट रही है, हमेशा गाहे वगाहे सानू सुनन पढ़न नू मिलदा है। जदों इन्हां बच्चियां दे माँ बाप चढ़ाई कर जांदे ने, आले दुआले दा आण गुआंढ दा चाचियां तायां दा फर्ज़ बनदा सी कि इन्हां बच्चियां दी ऐसी पालना पोषणा हुंदी, इन्नी सांभ कीती जांदी, इन्हां नू कदे जिंदगी विच महसूस ना हुंदा कि इन्हां दे माँ बाप सिर उपर ने। पर होया इस दे उल्ट, आंढ गुआंढ ने ते की पल्ला फड़ना सी, अपने परिवार वाले शरीक वाले चाचे ताए जिन्हां दे घर विच आउण जाण से जिन्हां नाल खून दा रिश्ता है, उन्हां दी जुबान है, उन्हां दीआं जीभां ने इहो जिहे बोल बोले, इहो जिहे ताने ते मेहणे मारे कि अपने माँ बाप नू खा गए ने इह बच्चे। हालांकि ये एडी किड्डी किन्नी अत दर्जे की वड्डी अत कथनी है, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा चढ़ाई करे, कोई ऐसी इच्छा नहीं, कोई बच्चा नहीं चाहता कि मेरा माँ बाप चढ़ाई कर जाए, मेरे सिर तो साया उठ जाए। पर ये अंदर का अंदर का जहर है, अंदर दियाँ भावनावें किन्नियां मलीन हो सकदियां कि चाचे ताइयां ने आंढ गुआंढ ने ये ताने मारे कि इन्हां बच्चियां करके इन्हां दे माँ बाप जिहड़े ने वो चढ़ाई हो गए। बच्चियां दे नाल अपने बच्चियां नू भाई जेठे दे नाल खेडण तो रोकना की बीतदी होवेगी भाई जेठे दे मन दे उत्ते, छोटे छोटे बच्चियां कोलों अपनियां वस्तां खोह के लै जाणियां, बच्चे लंघदे होणे ते समाज ने आले दुआले ने अपने आप नू पासे कर लैणा, इन्हां दे नाल गलबात भी नहीं करनी, इन्हां दे कोल खलोणा भी नहीं है, इन्हां नाल कोई वरतों विहार नहीं रखना। इन्हां ने अपने माँ बाप ये अपने माता पिता दे मौत दे कारण, हालांकि ये अत कथन है, पर भेजण वाले ने एडा वड्डा हीआ बख्शिया।
जे उन्हें जतीम होण दिता है, जे उहदी रजा विच ए भाई जेठा जी ते उहदे भैण भरा जतीम होए ने ते दाते नूं कुछ होर मंजूर सी, एडे वड्डे घाण दे विचों दी कढ के उहने कित्थे पहुँचाणा सी इह सिर्फ उही जाणदा सी। लाहौर दीआं गलीआं दे विच रुलदिआं जिंदगी बतीत हुंदी है भाई जेठे ते भैण भरा दी। उधर नानका पिंड है भाई जेठा दा बासरके, ते बासरके दी धरती ते वसदी भाई जेठे दी नानी, उहदे जिगर नूं धू पैंदी है, मेरा धी भी मेरी धी भी चले गई, मेरा जवाई भी चलिया गया, ते मेरे छोटे छोटे दोहते दोहतियां उत्थे घर दे विच इकल्ले रुलदे होणगे जदों, क्योंकि समा ऐसा सी तुरंत खबर ते नहीं पहुँची पर जदों नूं पता लग्गिआ उदों हालात बदतर हो गए सी। फिर भी नानी ने पहुँच कीती लाहौर, आई आ के जतन कीता घुंगणियां बना के देणियां, भाई जेठे ने वेचणियां गुजारा होना, पर इन्ना आसान नहीं सी ऐसे हालातों के विच जदों आला दुआला बिल्कुल साथ ना देवे, अपने फर्जा तो मूँह मुड़ लवे। नानी ने महसूस किया इत्थे इन्हां बच्चियां दा पालना बहुत मुश्किल है, क्यों ना मैं इन्हां नूं नाल अपने पिंड लै जावां। ऐसा ही होया, नानी उन्हां बच्चियां नूं अपने पिंड बासर के लै आउंदी है। इधर धन गुरु अंगद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े ने उह गुरता गद्दी उपर शोभायमान ने, और बासर के पिंड दे विच बाबा अमरदास जी भी वसते ने। इस ही पिंड दे विच गुरु अंगद साहिब महाराज जी की पुत्री बीबी अमरो भी व्याई हुई है बाबा अमरदास जी दे भरा दे घर, और इस घर दे विच सिक्खी का बूटा पहला तो जगमगा रहा है इस परिवार दे विच, इस आले दुआले पिंड दे नगर में। जदों करतारपुर साहब की पावन धरती तो गुरु अंगद महाराज जी नूं हुक्म होया गुरु बाबा नानक साहब का कि जाके खडूर नगर वसाओ, खडूर साहब की पावन धरती ते बासर के नगर के विचों अक्सर संगतां जिहड़ियां वो गुरु अंगद साहब जी के चरणों में आ के सेवा करन जांदियां, नाल बाबा अमरदास महाराज भी जाते हैं समेत परिवार। और उस तों बाद जदों पता लग्या सारे नगर नूं कि तीन जतीम बच्चे जिहड़े लाहौर तों आए है, आंढ गुआंढ सी परिवार सी शरीक सी नगर सी सारे ने आ के दुख मंडाया, बाबा अमरदास जी भी आए, भाई जेठे ते भैण भरावां दा सिर पलोसिया, जिवें दाता जिवें दो रूहां रब्बी रूहां आपस दे विच मिलाप करदियां आपस विच भेट करदियां। बाबा अमरदास महाराज ते भाई जेठे दियां अखां दे विच अखां पा के जो गलबात हुंदी है, जो अंदर दियां तारां छड़दियां उह सिर्फ उही उह जाणदे है। सिर पलोसिया, शाबाशी दिती है, दिलासा दिता है, एक वड्डे दी तरह एक छोटे बच्चे नूं कलावे विच लै के बड़ा प्यार दिता है, जिवें कोई अंदर दियां विचारां चल रही हों उस समय ने आके प्रगट किया है। बाद दे विच जदों जदों मन करना जदों जदों लंघदे आना बाबा अमरदास जी ने भाई जेठे दे घरों लंघना, और इतों तक कि जदों भी जथा लै के बासर के नगर तो खडूर नगर जाना संगत दे नाल भाई जेठे ने भी जाना शुरू किया, जिथे आले दुआले अपना कारोबार करना घर दे गुजारे वास्ते। इतिहास ने भी आख्या कि जड़ियां घुमणियां भाई जेठा लाहौर जाके वेचिया करदे सी उत्थे बासर के नगर विच आ के भी वो अपनी किरत कार उन्होंने जारी रखी है, इत्थे भी कारोबार करना नाले सेवा जान करन वास्ते जाना संगत दे नाल बाबा अमरदास जी दे नाल। दोनों ने जा के संगत विच बड़ी सेवा करनी गुरु अंगद साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे दर दी। समा बदलिया बदता गया, गुरु अमरदास महाराज 1800 वाहिगुरु 1552 तक गुरु अंगद महाराज ज्योति जोत समाउंदे ने। धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह गुरता गद्दी दे वारस बनते हैं, सेवा नूं फल लग्या, गागर ढोई सी बजुर्गी दे विच बड़ी महान सेवा कीती ते फल मिलिया गुरता गद्दी दे रूप विच, जोत रूप दे विच ओह जोत बाबा अमरदास जी दे हिरदे आ के टिकदी है। और हुण जिहड़ा प्रेम सी भाई जेठे दे नाल ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਓ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭਾਈ ਗੋਇੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਵੱਛ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵਰਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਸੀ ਪਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ 'ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 1534 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ 18 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ। ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਤ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਡੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਹਿਰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੜਾਸਾ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਟੋਕਰਾ, ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਗਾਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਜੋ ਬੌੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਚੱਲਣੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਚਕੋਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।